मौलाना फजलुर रहमान भी ऑडियो लीक्स पर परेशान है। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ऑडियो लीक तश्वीशनाक है, सख्त एक्शन होना चाहिए। कहा हुकूमतें सोशल मीडिया पर नहीं चलती। इमरान खान बताएं, मिस्टर एक्स वाई जेड कौन है? शौकत तरीन चाहते हैं पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाए। पंजाब हुकूमत 2-3 सीटों की मार है। इस बात पर परेशान वजीर आजम हाउस से एक जुमला बाहर कैसे गया है और आज वहाँ की ऑडियो कॉल सामने आ रही हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है उसकी, तो मैं तो वजीर आजम को यही कहूँगा कि सख्त हाथ डाले इस मसले पे। शौकत तरीन साहब, ऑडियो वायरल हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। टेलीफोन कॉल जो उसकी वायरल हुई है, आपने खुद सुना होगा कि किस तरह वो अपने दोस्त से कह रहा है कि फौरी तौर पर लेटर लिखवाए वफ़ूद, ताकि हुकूमत वादा ना कर सके जी, कि वो चाहता है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाए अब जी। और चूंकि उनकी हुकूमत को हमने गिरा दिया तो एजेंडा नामुकम्मल रह गया। अब वो इस एजेंडे की तकमील इस तरह भी करना चाहते थे। इसहाक डार साहब आ रहे हैं तो वो भी हुकूमत का इस महंगाई के चैलेंज का मुकाबला करने का एक जज्बा दिखा रहा है। इंटरनेशनल मीडिया पर बोल छा गया, बोल बना हक और सच की आवाज। पाकिस्तान में बोल न्यूज को बंद क्यों किया जा रहा है? इंटरनेशनल मीडिया समेत अमरीकी काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन समेत हर प्लेटफॉर्म पर बोल न्यूज के चर्चे, बोल न्यूज की हक और सच की आवाज बंद करने पर सवाल उठाए जाने लगे। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।